नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। डिंपल यादव की जीत से पूरा परिवार काफी खुश है। अखिलेश यादव ने अपने घर की सभी महिलाओं के साथ एक फोटो शेयर की है। सुल्तानपुर में हलियापुर थाना क्षेत्र के कांपा गांव में चकमार पर अवैध कब्जे को हाईकोर्ट के आदेश पर हटवा दिया गया। मौके पर तहसीलदार बलती राय घनश्याम भारती, नायब तहसीलदार गुलाब सिंह सहित थाना अध्यक्ष भी मौजूद रहे। सुल्तानपुर में जिलाधिकारी रविश गुप्ता ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। डीएम ने जल्द से जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। अमेठी में एसपी ने पुलिस कार्यालय गौरीगंज में जनसुनवाई की। इस दौरान सभी फरियादियों को एसपी ने आश्वासन दिया। अमेठी में एसपी ने कस्बा गौरीगंज में बाजार और भीड़भाड़ वाली जगहों पर पैदल मार्च किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान रास्ते में लोगों से पूछताछ भी की गई। अमेठी में एसपी ने पुलिस लाइन में सलामी ली। इसके बाद पुलिस लाइन में क्वार्टर गार्ड, परिवहन शाखा सहित रजिस्टर का भी मिलान किया। बहराइच में एसपी ने थाना हरदी के राजकीय हाई स्कूल विद्यालय मैकुपुरवा के बच्चों को कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के काम को समझाया। वहीं सभी बच्चों को तमाम हेल्पलाइन की जानकारी भी दी। बहराइच में एसपी प्रशांत वर्मा ने जनसुनवाई की। इस दौरान एसपी ने सभी शिकायतों को सुना और जल्द से जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। बहराइच में एसपी ने परेड की सलामी ली। इसके बाद डायल 112 के वाहनों का निरीक्षण भी किया। जौनपुर में किराकत थाने के ड्राइवर को श्रद्धांजलि दी गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर और हेड कांस्टेबल शिवनाथ पुष्कर की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। जौनपुर में मछली शहर सांसद बीपी सरोज ने केंद्रीय रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपा। सांसद ने अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कराने की बात कही है। औरैया में पत्रकार को थाने में बुलाकर फर्जी केस लिखने के मामले को मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया। बताया जा रहा है कि मानवाधिकार आयोग ने एसपी से रिपोर्ट तलब की है। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।